मैनपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत गुर्जी भाटा में सीसी सड़क को स्वीकृति मिले 2 वर्ष हो गए, मगर अब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। वहीं 190 मीटर के स्वीकृति सड़क में 2 साल में मात्र 60 मीटर सड़क ही निर्माण हो सका है, जिसमें 60 मजदूरों ने 60 दिन मजदूरी किया, जिसका भुगतान भी मजदूरों को नहीं मिल सका है। हम मौजूद हैं मैनपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत गुर्जी भाटा टी में। यहाँ ग्राम सरकार, जिसको जनता ने विश्वास करके ग्राम सरकार बनाया, उसके जनप्रतिनिधि जो है यहाँ व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किए हैं, और हम जीरो ग्राउंड से इसका जब पड़ताल करने लगे तो यहाँ पर सीसी सड़क का जो निर्माण किया गया है, हम बताना चाहेंगे कैमरामैन को, मैं बोलना चाहूँगा वो सीसी निर्माण सीसी रोड की तरफ अपना कैमरा दिखाएं। ये देखिए, इसको सरपंच और सचिव ने, यहाँ के ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि ने किस प्रकार अधूरा छोड़ा है, और ये विगत यहाँ के जितने भी काम किए हैं उसके मजदूरी का भुगतान भी नहीं हो पाया, और कुछ ग्रामीण जो जिनकी यहाँ पर मशीनें लगी हुई थी वो मशीनों का भी भुगतान नहीं हो पाया है। और मैं बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर सरपंच सचिव के द्वारा व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया, और इस सड़क को ठेकेदार को दे दिया गया, जबकि शासन के रूल के अनुसार, शासन के नियम के अनुसार इसको ग्राम सरकार को ही बनाना था। पंचायत अधिनियम अंतर्गत पंचायती कार्य का एजेंसी ग्राम पंचायत होता है, मगर इस पंचायत के सरपंच सचिव ने अधिनियम की धज्जी उड़ाकर कार्य को ठेकेदार को दे दिया। सरपंच सचिव ने निर्माण के 3 लाख आहरण करने के बाद मजदूरी का भुगतान नहीं कराया है। ये सीसी निर्माण, सीसी सड़क निर्माण में कितने दिन का लेबर भुगतान नहीं हुआ है? 12 आदमी। 13 आदमी का? हाँ। कितने दिनों का? 6 आदमी का, 6 दिन का। 6 दिन का? हाँ। कितना कितना मिलना था? मीटर 60 के 70 रहता। 60 मीटर 70 के 170 मीटर प्रति 170। अच्छा, मीटर प्रति 170 रुपया मिलना था। हाँ। नहीं मिला है। नहीं मिला है तो इसका शिकायत आप किए कि नहीं? तो सेना जी थी से ताना भी जी थी, दो तीन थर गलो भी से भी आवाटा नहीं से, खाली तमार लबर पैसा नहीं देवी बोल से भी कोई ऐसी माता आसवाटा भी नहीं से। किसके पास गए थे? इधर से जिन ठेकेदार। ठेकेदार से? हाँ हाँ, ठेकेदार। और ठेकेदार आप लोगों को नहीं दे रहा? नहीं। ये काम पंचायत का है क्या? सीसी सड़क पंचायत का? हाँ, पंचायत का है ना। क्या नाम लिखते हैं? अमल। ने मजदूरी की राशि पाने ग्राम पंचायत के 60 मजदूर कई बार सरकारी दफ्तर का चक्कर काट चुके हैं, तो वहीं उनके जेब से 3-3 हजार भी खर्च करने के बाद भी निराशा हाथ लगी। ग्रामीण इसकी शिकायत कर थक चुके हैं। हाँ, तो बताएंगे क्या आप कितने दिन काम की और आपका क्या क्या भुगतान शेष रह गया है? इसमें तो छोटे मोटे कम ज्यादा करके 5-6 दिन काम हुआ है, फिर मेरा मिक्सर मशीन लगा था, मिक्सर मशीन का पैसा भी नहीं मिला है। सचिव सरपंच को बोलते हैं, बोले हैं आप? सरपंच तो ना बोले है ना, उसको भी नहीं मुलाकात नहीं है ना, वो तो नहीं आ रहा है ना। ये कौन? वो जो ठेकेदार है ना। अच्छा, ठेकेदार से बना है? ठेकेदार से है। कौन उसका ठेकेदार? वो मुरीगुड़ा वाला जो दास है, दास का नाम क्या है तो थोड़ा पता नहीं। कितना आपका मिक्सर मशीन का कितना बाकी रह गया है? मेरे को कुछ ही नहीं मिला है ना, एक पैसा भी नहीं मिला है। कितना लेना बाकी है? लेने का उसको नहीं ही दिया है ना, वो 1200 में बात किया है, 1000 रुपया आपको दूंगा और जो चलाएगा उसको 200 रुपया। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम बेनुराम माझी है। जब छत्तीसगढ़ विजन की टीम ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम खरकार पाड़ा पहुंची तो NRGA के तहत मुरम सह पुलिया निर्माण में भी व्यापक भ्रष्टाचार देखने को मिला। खंड का वो पंचायत जहां व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार का उजागर हुआ है, और
आइए हम देखते हैं यहाँ पर पुलिया निर्माण भी जो किया गया वो आधा अधूरा किया गया और इस पुलिये के निर्माण में पुलिये के निर्माण को आधा अधूरा छोड़ दिया गया। यहाँ के ग्राम सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किए हैं और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर इस पुलिया निर्माण में जो राशि स्वीकृत हुई थी उस राशि के आहरण के बाद भी यहाँ पर पुलिया निर्माण सही ढंग से नहीं हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि इस कार्य में भी भुगतान शेष होना बताया, वही निर्माण को भी अधूरा छोड़ा है। इस मामले में सरपंच सचिव जवाब देने से बचते रहे। चेक के माध्यम से माने दिया गया है, हाँ, क्योंकि माल मेटल मैं दूंगा। किसको दिया गया है? ये मानस, मानस हाँ, मानस दास को। वो क्या है, मैं गिट्टी सीमेंट दूंगा बोल के, माने माल मेटल के नाम से उसको 3 लाख रुपया जो है ना चेक के माध्यम से दिया गया है। पूर्व सरपंच जी, यहाँ पर 190 मीटर बनना था और 60 मीटर केवल बनाया गया, उस संबंध में आपका क्या कहना है? उस संबंध में क्या है जी, माल मेटल पूरा आएगा बनाएंगे या वो बनाएगा? अगर नहीं बनाता है तो है? नहीं बनाता है तो शिकायत करेंगे क्या इसका? अब भाई नहीं बनाएगा तो स्वाभाविक है कि नहीं है? मजदूरों का पेमेंट भी नहीं मिला अभी तक। हाँ, यहाँ मजदूरों का पेमेंट भी नहीं दिया गया नहीं है। तो उनको पेमेंट दिलाने के लिए आप ग्रामीणों के द्वारा क्या किया जाएगा? उसको क्या है, जो काम किया है उसका पेमेंट मिलना चाहिए, बस उतना है। तो वही आला अधिकारी से संपर्क नहीं हो सका। ये अपना जो सीसी सड़क बना है खरखार पारा में जी, तो उसका निर्माण एजेंसी ठेकेदार है या आप हो? ग्राम पंचायत है सर जी। ग्राम पंचायत है जी जी। तो फिर ग्रामीणों का आरोप है कि वहाँ पर भुगतान नहीं मिल पाया, मजदूरी का भुगतान नहीं हो पाया, वो कैसा है जी? वो मटेरियल जो पैसा दिए थे उसका मूल्यांकन नहीं हुआ है तो पैसा नहीं मिल पाया है, अभी मिलने से उनको भुगतान कर देंगे सर। कब तक के हो जाएगा? हाँ ये हो जाएगा, यही महीना में हो जाएगा सर जी। और ये मुरम वाला जो मुर्मीकरण हुआ था वो अभी आधा अधूरा छोड़े हैं, उसका भी मूल्यांकन नहीं हो पाया क्या? कौन सा सर जी? हाँ वही खरकार पारा का ही जो पुलिया बना है, छोटा सा पुलिया बना है और मुरम वहाँ डालना था, मुर्मीकरण होना था जी जी। वो भी कैसे आधा अधूरा है वो? हाँ वो करेंगे सर, उधर क्या है बारिश हुई ना तो पानी गिरा, उधर रास्ता खराब है, जा नहीं पा रही है, अभी जब वो छोड़ेगा तभी हो जाएगा, उधर जाने में दिक्कत है। चलिए ठीक जी जी जी। और क्या हाल चाल सर जी? जय विलास शर्मा, छत्तीसगढ़ विजन टीवी, गरियाबंद। गरियाबंद से जयविलास शर्मा, छत्तीसगढ़ विजन टीवी। नमस्कार, मैं नेहा। छत्तीसगढ़ के लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए अभी ही छत्तीसगढ़ विजन के फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब को शेयर, लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करें।